स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रायसेन में शासन को 2.5 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा पहुंचाकर मत्स्य विभाग का बाड़ना डैम टेंडर घोटाला। मध्य प्रदेश में कोरोना काल के दौरान मत्स्य विभाग द्वारा रायसेन जिले में संचालित बाड़ना डैम में मछली पालन का ठेका निरस्त कर दूसरी फर्म को देने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की खुलेआम वेलना की जा रही है। अब इस पूरे मामले में विभाग के अधिकारियों के मिलीभगत से मछली ठेकेदार को नुकसान पहुंचा और शासन को भी 2.5 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा पहुंचाया गया है। जिस ठेकेदार को ये ठेका 5 साल के लिए 5.5 करोड़ 61 लाख में दिया गया था, वहीं उसका ठेका निरस्त कर मुंबई की एक फर्म को करीब 4.5 करोड़ में 7 साल के लिए दिया गया है। संवैधानिक न्याय दिलाने के लिए उक्त मामले को सिंगल बेंच के में केस ट्रांसफर कर दिया गया है। रायसेन संवाददाता अली हसीन की रिपोर्ट। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में एक विभाग होता है, मत्स्य विभाग, जिसका काम होता है जो कि सरकारी डैम है उनको कॉन्ट्रैक्ट पे देना, उनमें से कितनी मछली निकाली गई, कितनी डाली गई, इसका हिसाब रखना। पर बहुत अफसोस के साथ मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि एक रायसेन के पास बाड़ना डैम है जिसमें कई तरह की अनियमितताएं पाई गई थी और उसको लेके हमने हाईकोर्ट में केस भी फाइल किया। केस अभी भी हाईकोर्ट में पेंडिंग है जो कि आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। इसके बावजूद भी हाईकोर्ट के ऑर्डर को किनारे रखते हुए रीजनल मैनेजर मिस्टर राय ने अपने और दूसरे साथियों के साथ, ऑफिसर्स के साथ मिलकर धांधली करते हुए फिर से टेंडर निकाल दिया है। ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। इसकी रिपोर्ट भी हम ऑनरेबल हाईकोर्ट से करेंगे। मेरा ये कहना है कि जब डैम का केस हाईकोर्ट में पेंडिंग है उस दौरान किसी भी तरह की कोई इलीगल एक्टिविटी करना या कोई लीगल एक्टिविटी भी करना बिना हाईकोर्ट को इन्फॉर्म किए हुए, ये एक बहुत ही गलत बात है। बाड़ना डैम में आप जानते हैं कि जो ठेका हुआ है उसमें उसका एक काफ़ी सारा हिस्सा अभ्यारण की श्रेणी में आता है जिसमें कि मत्स्य आखेट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मत्स्य विभाग इस चीज़ की अनदेखी कर रहा है और ये हमारे फॉरेस्ट लॉ का भी वॉयलेशन है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस बात को, इस वीडियो को आगे तक पहुँचाएँ जिससे सरकार की नज़रों में ये बात आए और सरकार के जो मिनिस्टर हैं वो इस बात का संज्ञान लें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस संबंध में मैं चूंकि डील नहीं करता हूँ, हमारे यहाँ निविदा की जो टेंडर प्रक्रिया है वो मुख्यालय स्तर से की जाती है और मुख्यालय में एक बाकायदा जो है टेंडर कमेटी बनी हुई है, ऑफसेट कमेटी बनी हुई है, उसमें शासन के लोग भी हैं, उसमें दर निर्धारण होता है, क्या कंडीशन है, परिस्थितियों को देखते हुए कम और अधिक करना पड़ता है। चूँकि ये 3 बार में ये टेंडर हुआ है तो उसमें निश्चित ही कुछ प्रक्रिया अपनाई गई है और तब टेंडर किया है। टेंडर एकदम ऑथेंटिक हुआ है क्योंकि टेंडर 3 बार में जब जलाशय नहीं जा रहा था, मछुओं की बेरोजगारी थी, बार बार मांग कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें देख करके एग्जाइज जो टेंडर किया है वो प्रक्रिया तुम्हारी सही है, मगर इस विषय में आप जानकारी हमारे मुख्यालय से ले सकते हैं। सर, देखने में आ रहा है कि जैसे वहाँ से मछली जो निकाली जा रही है ना उसकी टीपी काटी जा रही है, ना वह कोई मत्स्य विभाग का कोई अधिकारी रहता है कोई? नहीं, हमारे वहाँ पर स्टाफ है, कविता इमने हमारे सहायक प्रबंधक है और शायद 2 दिन पहले कुछ पत्रकार लोग गए थे तो मिले भी थे और वहाँ पर नहीं, वो ये काफ़ी से वहाँ पर बाड़ना में भी तो वो लोग आते हैं किसी वजह से, आजकल के नहीं, वो किसान क्रेडिट कार्ड का काम चल रहा है तो बैंक में उनको यूनियन बैंक के मैनेजर से मिलकर कार्रवाई करना था उस समय, तो वो कार्रवाई करते हैं, लेकिन जब टीपी तब उस स्थिति में जारी होता है जब वो मांग करते हैं और बाहर मछली ले जानी होती है, लोकल के लिए वो खुद अपना जो है एक कैसीमो काट करके वेंडर जो है, वेंडर मतलब अनुबंध ग्रहिता, वो बेच लेता है क्योंकि उसका मत्स्य विक्रय का अनुबंध है, मछली का डिस्पोजल का काम उसका है। इससे अधिक आप लोग, थैंक यू।